हेलो मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सब। और भाई, आज की इस वाली वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टाटा सफारी के जेट एडिशन के बारे में। तो भाई, जो भी अपडेट है और उसकी क्या प्राइसिंग होने वाली है सब बताने वाला हूं। तो भाई, वीडियो एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई आपके छोटे भाई का ही चैनल है, आपका अपना चैनल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक करो। अब बात करते हैं इसके पहले अपडेट की। पहला अपडेट जो है, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन टाइप का कलर आ गया है इसका, और डुअल टोन में आया है। जो जैसे इसकी छत है, रूफ है, वो वाइट कलर में रहेगी, और अलॉय है वो ब्लैक कलर के रहेंगे। बाकी कुछ मेजर फेसलिफ्ट टाइप का नहीं है, कुछ भी चेंज होगा सिर्फ कलर और ये सब बार के जो चेंजेस है वो ये सब ही है। बाकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो तो टाटा सफारी की, स्टॉक टाटा सफारी की वही रहने वाली है। अपन अब बात कर रहे हैं अपन इसके इंटीरियर की। तो इंटीरियर में आप देख ही पा रहे होंगे, ये डैशबोर्ड पे पहले जो गोल्ड एडिशन में वाइट जैसा आता था, अभी इसको चेंज करके ये वाला कलर लगा दिया गया है। अब बात करते हैं इसके सेकेंड अपडेट की। तो भाई, 4 वेंटिलेशन सीट मिलने वाली है, चारों तरफ वेंटिलेशन सीट, चारों जो सीट्स रहेगी, कैप्टन सीट्स, रियर वाली कैप्टन सीट्स, आगे वाली, सब में वेंटिलेशन आ जाएगा, जो कि अब टाटा सफारी गोल्ड एडिशन में आ ही रहा है। प्लस इसकी थोड़ी कंफर्ट इन्हेंस हो जाएगा, कंफर्ट में आप देख पा रहे होंगे कुशन वगैरह ऐड हो गए हैं, ये सब रहेगा ही। अब बात करते हैं अपन इसके कुछ फंक्शनल चेंजेस की। क्या फंक्शनल चेंजेस है वो बताता हूँ मैं आपको इसके। भाइयों, जो इसका जो अपडेट्स है वो सिर्फ सेफ्टी से रिलेटेड ही अपडेट है, और ऐसा कोई शोशेबाजी वाले फीचर्स नहीं आने वाले हैं इसमें। और अब बात करें इसके अपडेट्स की, तो भाई ड्राइवर ड्राउजिंग डिटेक्शन आ जाएगा इसमें, इम्पैक्ट पैनिक ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, मतलब जैसे इम्पैक्ट होगा गाड़ी में ऑटोमेटिक ब्रेक इंगेज हो जाएंगे सारे, ये इसका एक फीचर, दो फीचर हुए। तीसरा फीचर की बात करें अपन, तो तीसरा फीचर है इसका पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट। ये जो तीन फीचर है ये इसमें ऐड हुए हैं। और भाई, आपको इंटीरियर में हैशटैग जेट की बैजिंग मिल जाएगी, जो कि बाहर भी रहेगी, गाड़ी के बाहर पहले हैशटैग डार्क वगैरह आता है, वहाँ पर हैशटैग जेट भी आ जाएगा। तो इसमें जो रियर सीट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट रहेंगे, जो कि मतलब काफ़ी लग्जरियस फीचर है, 1.5 करोड़ की गाड़ियों में आता है रियर सीट में एडजस्टमेंट, वो भी इसमें अब आ जाएगा। तो ये कुछ अपडेट थे जो टाटा सफारी के अब इस जेट एडिशन में आएंगे। तो भाई, फाइनली बात कर लेते हैं आपको कितना पैसा देना होगा इस गाड़ी को अपना बनाने के लिए। भाई, ये मैंने स्क्रीनशॉट आपको इधर डाल रहा हूँ, आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडल देख के सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपको ये सारी प्राइसिंग आपको पता लग जाएगी। तो भाई, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मुझे लगता है टाटा सफारी में 4x4 भी आना चाहिए, और देखते हैं अब इसके अपडेट में आएगा या कैसा आएगा, वो अब देखते हैं।